खालिस्तान समर्थक अमृतपाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है अमृतपाल कुछ दिन पहले ही शाहबाद में देखा गया लेकिन पंजाब पुलिस तब भी अमृतपाल को पकड़ने में नाकामयाब रही है विज ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस ने अमृतपाल के शाबाद होने की सूचना तुरंत दे दी थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने कुरुक्षेत्र के शाबाद आने के लिए डेढ़ दिन लगा दिया उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस राजनीतिक खेल खेल रही है वो अमृतपाल को पकड़ना ही नहीं चाहती देखिए ये तो आ, मामला पंजाब सरकार डील कर रही और मुझको नहीं लगता कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने में गंभीर है क्योंकि वो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सारी पुलिस लेके जलंधर वाली साइड में तलाश कर रहे थे और वो यहाँ पर शाहबाद में अपने रिश्तेदार के घर बैठा रोटी खा रहा था हमें जब सूचना मिली जब वो वहाँ से भाग गया हमें जिसके घर था उसने बताया हमने पंजाब पुलिस को उसी वक्त बता दिया लेकिन पंजाब पुलिस ने पंजाब से शाबत तक आने के लिए डेढ़ दिन लिया अगर मोस्ट वांटेड आदमी है तो तुमने सारी फोर्स लगा रखी जलंधर की साइड और हम तुम्हें डेफिनेट लिंक बता रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो इससे मुझे नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है पंजाब सरकार का राजनीतिक ड्रामा मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना डेफिनेटली जानता हूं पंजाब सरकार उसको पकड़ने के लिए गंभीर नहीं है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पाल सिंह को पकड़ने के लिए हरियाणा व पंजाब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है लेकिन शातिर अमृतपाल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका अमृतपाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद में देखा गया लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो भागने में कामयाब हो गया अम्बाला रेंज के आईजी का कहना है कि हरियाणा पुलिस ने अमृतपाल सिंह को लेकर पहले भी मदद की थी अब भी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद से पंजाब पुलिस एक महिला को पकड़कर अपने साथ ले गई है पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट है और जगह जगह जांच कर रही है अमृतपाल कहाँ है ये जांच का विषय है इस मामले में कुरुक्षेत्र पुलिस ने आ, उनको अप्रिहेंड किया था जहाँ पर वो रुके थे और पंजाब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनको लेकर गए हैं पहले भी जो है हम लोगों ने पंजाब पुलिस की मदद की थी और आगे भी इस मामले में हम लोग मदद करेंगे उनकी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एहतियाती कदम है वो सारे उठाए जा रहे हैं तो में भी उसको लेकर कुछ किया गया है थे, सब थे सारे जिलों में किया जा रहा है तो अभी आशंका क्या जताई जा रही कुछ सत्तर में हो सकते हैं वो निकल गए क्या आशंका जताई अभी इसकी जाँच चल रही है ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज आप हमें फेसबुक पर लाइक करें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।